दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा महाकाल से जुड़ी आस्था तो है ही, इसके अलावा खास तौर पर रोज होने वाली भस्म आरती में सम्मिलित होना श्रद्धालुओं की परम इच्छा भी रहती है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों में उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर से भस्म आरती के दौरान अव्यवस्था जैसी खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आई, जिसके बाद अब मंदिर प्रशासन और भी सख्त हो गया है। मंदिर प्रशासन ने अब फैसला लिया है कि अब भस्म आरती में एंट्री के लिए RFID बैंड्स जो हैं वो दिए जाएंगे। महाकाल मंदिर में वर्तमान में भस्म आरती करने तो आने वाले श्रद्धालुओं की कई शिकायतें मिल रही थी कि उनके साथ ठगी हो रही है, दलाल लोग अनाधिकृत रूप से मंदिर में भस्म आरती के दौरान प्रवेश दिलाते हैं। इसको पूर्णतः रोकने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कल RFID बैंड के माध्यम से प्रवेश चालू किया गया है। इससे न केवल अपात्र लोग जो बिना टिकट के लोग हैं वो रुकेंगे, बल्कि दलाली भी रुकेगी, श्रद्धालुओं से ठगी भी रुकेगी और पात्र लोग ही भस्म आरती के दौरान बैठ पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें संख्या का भी निर्धारण हो जाए, कितने लोग हैं, कितने पास रिस्ट बैंड हमारे जा रहे हैं, उससे हमारा पूरा पारदर्शिता और भस्म आरती में आएगी। बारकोड में श्रद्धालु की पूरी जानकारी, उसको फोटो, उसको आधार नंबर, उसका नाम और उसकी कहां से वो आया हुआ है, किस डेट की उसकी भस्म आरती है, वो सारी डिटेल उस बारकोड में रहेगी, जो कि हम लोग हैंड स्कैनर बारकोड से या अपने मोबाइल पर ऐप के माध्यम से कहीं भी चेक कर सकते हैं किसी भी स्थान पर। आपको बता दें कि बाबा महाकाल के मंदिर में खासतौर पर भस्म आरती में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत की गई है। अब भस्म आरती में RFID बैंड से प्रवेश मिलेगा और इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि कलेक्टर ने स्वयं इस नई व्यवस्था का जायजा लिया है। अब सवाल ये कि आखिर ये RFID बैंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और अनाधिकृत तरीके से किसी का कहीं पर जाना ये कैसे रोकेंगे। आपको बता दें कि RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और ये इसी टेक्निक पर काम करने वाला बैंड होता है। इसमें श्रद्धालुओं की जानकारी फीड की जाती है और फिर इसे कलाई पर बांधा जाता है। RFID बैंड का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। मंदिर में इसे भस्म आरती के दौरान प्रवेश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि RFID बैंड जो है वो चिप प्रोसेस पर काम करता है। इसमें श्रद्धालुओं की पूरी जानकारी फीडेड होती है। RFID बैंड को रीडर से पढ़ा जा सकता है। हर बैंड पर एक अद्वितीय पहचानकर्ता होता है जिसके कारण इसकी नकल नहीं की जा सकती है। साथ ही RFID बैंड पर श्रद्धालुओं का डेटा मौके पर ही प्रिंट किया जा सकेगा। कुल मिला के मंदिर में श्रद्धालु आराम से अच्छे से पूरी व्यवस्था के साथ बाबा महाकाल के दर्शन कर पाए, भस्म आरती में किसी भी तरीके का विघ्न न हो और भस्म आरती भी व्यवस्थित तरीके से हो सके, इसके चलते अब इस नई व्यवस्था को बाबा महाकाल के मंदिर में लागू किया जा रहा है। मामले में जो भी अपडेट होगा MP तक आप तक लेकर आएगा। खबर उज्जैन से आप तक पहुंचाइए सहयोगी संदीप कुलश्रेष्ठ ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।